Let's move to the lecture of next chapter. It's multicellular and tissue level of organization, chapter number 9, 5th edition, Miller and Harley Zoology. और इसमें जो हम टॉपिक कवर कर रहे होंगे आज के लेक्चर में, इस ओरिजिन ऑफ मल्टीसेल्युलरिटी एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ पोरिफेरा, इसके अलावा कुछ एनिमल ओरिजिन्स के हवाले से पॉलीफिलेटिक, पैराफिलेटिक, मोनोफिलेटिक के जो टर्म्स गिवन है वो हम पहले से ही चैप्टर 7 के लेक्चर्स में पढ़ाए हैं, उसको आप खुद कम्प्रीहेंड करेंगे। हम इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं उसी पे जो है फोकस कर रहे हैं। पहले सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जो अब फाइला हमारे पास स्टार्ट हो गए हैं पोरिफेरा से ऑनवर्ड, दीज आर द ट्रू एनिमल्स, यूमेटाज़ोन्स हैं ये, और ये वो एनिमल्स हैं जिनमें मल्टीसेल्युलरिटी डेवलप हुई। इट हैज बीन पार्ट द अर्थ हिस्ट्री फॉर अप्रोक्सीमेटली 550 मिलियन ईयर्स, के मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स प्लैनेट अर्थ पे राउंड अबाउट 550 मिलियन ईयर्स अगो से अब तक मौजूद हैं। इट सीम्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट अगर टोटल अर्थ की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का हम टाइम पीरियड देखें तो उसमें से 90% जो टाइम पीरियड है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स ने प्रोसेस किया हुआ, जबकि जस्ट 10% जो है अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री का टाइम वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हिस्से में आता है। यानी ये काफी बाद में जाके डेवलप हुए, लेकिन इनके डेवलप होने के बाद बायोडाइवर्सिटी बड़ी तेजी से इंक्रीज किया, स्पीशीज के अंदर जो डाइवर्सिटी थी वो बहुत तेजी से बढ़ी। Multicellular life arose quickly in the 100 million years prior to the pre-Cambrian and Cambrian period in what scientists view as an evolutionary explosion. Cambrian explosion jo hai wo usko kaha jata hai. Iske baad bahut se organisms multicellular life forms ke sath develop hue. Aur jo evolutionary life events hain could not only resulted or not only in the appearance of all the animal phyla recognized today. यानी कैम्ब्रियन पीरियड में तकरीबन ये सारे एनिमल फाइला मौजूद थे जो आजकल भी मौजूद हैं, बट आल्सो 15 टू 20 एनिमल ग्रुप्स दैट आर नाउ एक्सटिंक्ट, के बहुत से ग्रुप्स ऐसे भी बने थे तब जब जो अब एक्सटिंक्ट फॉर्म में हैं। इनिशियल एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मल्टीसेलुलर लाइफ हैज बीन वन ऑफ द एक्सटिंक्शन एंड द एवोल्यूशनरी इवेंट्स लीडिंग टू द मल्टीसेलुलरिटी आर शराउडेड इन मिस्ट्री, कि वो कैसे जो है वो एवोल्यूशनरी इवेंट्स हुए वो स्टिल एक मिस्ट्री है। लेकिन जोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं दो तरह की बेसिक थीरीज पे कि यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म्स से मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म्स कैसे एग्जिस्ट की। एक है कॉलोनियल हाइपोथेसिस और दूसरा है सिंसिशियल हाइपोथेसिस। हम यहाँ पे पहले ये कॉलोनियल और सिंसिशियल के दरमियान डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स अ मेन पोर्शन इन दिस टॉपिक, कि भाई कॉलोनियल फॉर्म्स क्या है और सिंसिशियल फॉर्म्स क्या है, कॉलोनियल और सिंसिशियल में क्या डिफरेंस है। अगर आप कॉलोनियल फॉर्म में देखें तो ऐसा है कि कॉलोनियल फॉर्म हाइपोथेसिस ये कहता है कि पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, ग्रुप में उन्होंने रहना शुरू किया, उनके ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर डेवलप हो गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस कॉलोनी में ऐसे हुआ होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर या लेयर्स डिवेलप हो गई, और फिर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स वो डेवलप होना शुरू हो गए। दिस फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच एक्सप्लेन्स ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलुलरिटी इज रेफर्ड एज कॉलोनियल हाइपोथेसिस ऑफ मल्टीसेलुलरिटी, कि कॉलोनियल लाइफ फॉर्म्स कैसे जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुई, ये कॉलोनियल हाइपोथेसिस कहलाता है। व्हाइल द सेकंड फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस, सेकंड जो हाइपोथेसिस है, इट्स नेम्ड एज सिंसिशियल। ऐसे एक इंडिविजुअल सेल था, पहले वो इंडिविजुअल सेल यूनिन्यूक्लियेट था, लेकिन फिर वो इंडिविजुअल सेल यूनिन्यूक्लियेट की बजाय शिज़ोगोनी, मल्टीपल फिशन के ऐसे पहले जैसे न्यूक्लियाई बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई बने, जिसे हम कहते हैं अब मल्टी न्यूक्लियेट मैस को हम नाम देते हैं सिंसिशियम। लार्ज सिंसिशियल प्रोटिस्ट डिवेलप हुए पहले जिनमें मल्टीपल न्यूक्लियाई थे, और फिर न्यूक्लियाई के सेपरेट होने के बजाय उनके दरमियान ऐसे मेम्ब्रेन डेवलप हो गई, और ये मेम्ब्रेन डेवलप हो जाने से सेल बाउंड्रीज जब बनी तो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए जो कि मल्टीसेलुलर थे, मल्टीसेलुलरिटी शो कर रहे थे। सो इट इज रेफर्ड एज सिंसिशियल हाइपोथेसिस, जिसमें लार्ज मल्टी न्यूक्लियेट मैस फॉर्म से मल्टीसेलुलर एनिमल्स डेवलप हुए, और बाद में रेडियल और बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स वो डेवलप होना शुरू हुए।
So first mechanism was colonial, and second is called syncytial hypothesis. Syncytial hypothesis explains that a syncytium is a large multinucleate cell, जो आपने अभी diagrammatically देखा. The formation of plasma membrane in the cytoplasm of syncytial protist could have produced a small multicellular organism. लेकिन ये जो दोनों hypothesis आपने पढ़े, colonial as well as syncytial, they are supported by the colonial and syncytial organization that occurs in some protist phyla. कि दोनों तरह की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हमें नजर आ जाती है प्रिमिटिव फॉर्म में, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी, सिंसिशियल ऑर्गेनिज्म भी. ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म रहे, दोनों तरह की प्रोसीजर्स हुए हों, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी प्रोसीजर पास्ट में कंप्लीट ना हुआ हो, कोई और मैकेनिज्म इन दोनों के अलावा हो. ये जस्ट हाइपोथेसिस या पॉसिबिलिटीज है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलरिटी. अभी हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पोरिफेरा पढ़ेंगे इसके हवाले से, लेकिन उसको पढ़ने से पहले अगर क्वेश्चन. नेक्स्ट हम फाइलम पोरिफेरा या पैराजोआ में जो हम पोरिफेरा स्पंजेस है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए आप इसको पढ़ने से पहले. फाइलम पोरिफेरा इज हैविंग 9,000 स्पीशीज, और ये नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल. इनमें मेजोरिटी ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एसिमेट्रिकल हैं, कि उनकी बॉडी को किसी भी प्लेन में मिरर इमेज के अंदर डिवाइड नहीं किया जा सकता, एंड दे आर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. ऐसे इनकी बॉडी अरेंज है, किसी भी पार्ट में, किसी भी प्लेन में इनके इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस नहीं होते. सो द बॉडी ऑर्गेनाइज अराउंड अ सिस्टम ऑफ वाटर कैनाल्स एंड चैम्बर्स. ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि तीन तरह की फॉर्म्स हैं स्पेस पे. सेल्स दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज और ऑर्गन्स. मल्टीसेलुलरिटी तो है, लेकिन सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स के अंदर. टिश्यूज की फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे नहीं नजर आती. और इसमें थ्री क्लासेस हम पढ़ेंगे, कैल्केरिया, हेक्सेटिनिलिया और क्लास डीमोस्पंजी. कैल्केरिया क्लास में ग्रेंटिया है, स्काइफा, लीकोसिलिनिया, कैल्शियम कार्बोनेट का इनके अंदर स्केलेटन है, स्पिक्यूल्स इनकी निडल लाइक. हम डिटेल जब पढ़ेंगे बॉडी लेयर्स में तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है. एसकॉन, ल्यूकॉन और साइकॉन, ये इनके कैनाल और चैम्बर की बेस पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें तीनों बॉडी फॉर्म क्लास कैल्केरिया में आपको मिलेंगी. ऑल आर मेरीन एंड दे आर कैल्केरियस स्पंजेस. कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इनको ये नाम दिया गया. हेक्सेटिनिलिडा, ये जो है स्पिक्यूल्स, ये कंपोज ऑफ सिलिका एंड सिक्स रेज्ड. इसमें साइकॉन और ल्यूकॉन बॉडी फॉर्म मिल जाती है, और 450 to 900 मीटर डेप्थ ट्रॉपिकल वेस्ट इंडीज में, ओशन डेप्थ में ये ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. इनकी भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे. यूप्लेक्टिला या वेनस फ्लावर बास्केट इसमें कॉमन एग्जांपल है. ग्लास स्पंज भी इसी में इंक्लूडेड है. फिर क्लास है डीमोस्पंजी. क्लास डीमोस्पंजी, दे आर ब्रिलियंटली कलर्ड स्पंजेस विद नीडल लाइक, नीडल शेप्ड और फोर रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स. इनमें सिक्स रेड है हेक्सेटिनिलिडा में, इसीलिए हेक्सा का वर्ड यूज हुआ है, और डीमोस्पंजी में फोर रेड सिलिशियस या सिलिकॉन के बने हुए स्पिक्यूल्स हैं. और या फिर इनमें जो मिजोहाइल मिडल लेयर आप पढ़ेंगे वहां पे स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये दोनों भी हो सकते हैं. ल्यूकॉन बॉडी फॉर्म्स ज्यादा कॉमन है, अप टू 1 meter इन हाइट एंड डायमीटर. इंक्लूड्स फैमिली ऑफ फ्रेश वाटर स्पंजेस. स्पॉन्जिलिडे है इसमें, क्लायोनिया है, और स्पॉन्जिला जीनस जेनरा, ये इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स हैं. सो दैट वॉज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ स्पंजेस. अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे इनके जो है वो क्लासिफिकेशन के हवाले से.